जनपद फरुखाबाद के गांव राजेपुर क्षेत्र में पर्यावरण को बचाने के लिए किसान के बेटे ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि चारों ओर उसके कार्य की प्रशंसा हो रही है। वहीं इलाके का जलस्तर भी बढ़ गया है और इलाके में होने वाली बीमारियों में कमी आई है। राजेपुर क्षेत्र में इस प्रकृति के पुजारी ने पर्यावरण को बचाने के लिए समाज को आईना दिखाया है। बरेली हाईवे के पास तुसौर गांव में 4 बीघे जमीन पर बना फूल बाग केवल महेश राठौर की वाटिका नहीं, बल्कि ये तो बाढ़ की विभीषिका से हर साल घिरने वाले गंगापुर क्षेत्र को हरा भरा रखने का संकल्प दिलाने वाला हरियाली का घर है। पर्यावरण की खुशबू से हर कोई फूल बाग में खिंचा चला आता है और यहाँ 30 प्रकार के फूल खिलते हैं जो 30 तरह की सुगंध बिखेरते हैं। महेश राठौर का ये प्रयास हरियाली बचाने और पेड़ लगाने की अद्भुत प्रेरणा दे रहा है। हरियाली के बहुत करीब पहुंचकर पर्यावरण के पुजारी बने महेश राठौर उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं। प्रकृति प्रेम की शिक्षा उन्हें अपने शिक्षक पिता वीरपाल सिंह से मिली। पिता को पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव था। क्षेत्र में कहीं भी हरा पेड़ कटने की जानकारी मिलती तो वे तत्काल पहुँच जाते थे और लोगों को पेड़ न काटने के लिए मनाने का प्रयास करते थे। 2007 में अंतिम सांस लेते समय पिता ने बेटे को यही अपनी अंतिम इच्छा बताई कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए उनके द्वारा जलाई गई ये मशाल बुझने न दी जाए। पिता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए महेश पूरे हौसले से जुट गए। फूल बाग बनाने के लिए उन्होंने बरेली हाईवे पर 4 बीघा जमीन खरीदी। बाग जो मैंने इसलिए लगाया था कि हमारे पिताजी जो थे वो वृक्षों से उन्हें बड़ा लगाव था और कोई वृक्ष अगर कोई काटता होता कहीं तो उसको काटने नहीं देते थे। जब उनका स्वर्गवास हो गया तो मैंने सोचा कि उनकी यादगार में जो उनकी अभिलाषा थी, जो उनकी पहले उनके विचार थे, उन विचारों को बरकरार रखा जाए। उन विचारों को देखते हुए मैंने ये बाग का शुरुआत की थी। कितनी जगह में लगा हुआ है ये? मतलब 4 बीघे में लगा हुआ है और हर प्रकार के इसमें वृक्ष हैं, फूल वाले, फल वाले, सोहा वाले, सभी प्रकार के इसमें बैठने के लिए कोई भी आते हैं लोग उनके लिए बैठने के लिए कुर्सी है, तख्त भी पड़ा हुआ है, चारपाई भी पड़ी हुई हैं और हर प्रकार के किसी के लिए रोक ठोक नहीं है। सभी लोग आते हैं, सभी लोग बैठते हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे आप? आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा है कि पर्यावरण भी इससे शुद्ध होता है, पर्यावरण भी सुधरेगा और वृक्ष हर एक लगाएं और वृक्ष को कोई काटने, सूखा वृक्ष भले कटने दें और हरा वृक्ष कोई न कटने दें और वृक्ष को लगाते रहें, जिससे वातावरण भी सही रहेगा और मनुष्य को भी आराम मिलेगी सांस लेने में। बजट तो जो कोई वृक्ष लगाए जाते हैं तो उसमें बजट तो खर्च होता ही है, क्योंकि बड़े बड़े महंगे पौधा आते हैं। कभी कभी हमको मलयावास से भी लाने पड़ते हैं, कभी कभी कायमगंज से लाते हैं, तो खर्चा जो है कि हमारी कुछ जो पर्यावरण सुधारने के हेतु मैं बच्चों को भी शिक्षा स्कूल में देता हूँ कि पर्यावरण को संरक्षण बनाए रखें, तो मैं अपने वेतन से जो है उस वेतन से ही इसमें लगाते हैं और जिससे वातावरण हमारा शुद्ध बना रहे, तो इतना हम परोपकार ही सोचते हैं समाज के लिए। और यहाँ विभिन्न किस्मों के फल और फूल के पेड़ पौधे लगाकर बाग विकसित किया, अपने पिता की प्रतिमा स्थापित की। हरियाली से सुकून पाने के लिए लोग बाग फूल बाग की ओर खिंचे चले आते हैं। प्रकृति उन्मुख ध्यान के लिए गोल छप्पर वाली झोंपड़ी बनाई। फूल बाग में सिंचाई के लिए कृषि विभाग ने कम मूल्य पर रेनपोर्ट सिस्टम उपलब्ध करा दिया। महेश राठौर बताते हैं कि उन्हें फूल बाग का वर्तमान स्वरूप देखकर इस बात का बहुत सुकून मिलता है कि वो अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा कर सके। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए उनके प्रयास से अधिकारियों की सराहना मिली तो हौसला और बढ़ गया। महेश राठौर ने अपने पुत्र आशुतोष को भी प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी है। आशुतोष भी फूल बाग को विकसित करने में पिता के काम में सहयोग करते हैं। ग्रामीण अर्जुन सिंह और आनंद ने महेश राठौर के इस प्रयास को सराहा और बताया कि फूल बाग बनने के बाद से उनके गांव में बीमारियां कम हो गई हैं। महेश राठौर का फूल बाग लोगों में वानिकी के प्रति चेतना जगा रहा है। पर्यावरण संरक्षण में बाढ़ की विभीषिका पर भी मरहम लगाने में कामयाबी मिली है।
महेश का ये प्रयास उन सरकारी प्रयासों को भी तमाचा है जिनमें हर साल हजारों पेड़ लगाए जाते हैं और साल बीतते बीतते उनका कोई पता नहीं रहता। इन्होंने ये जो अपने पिताजी की पूर्ण तिथि में उसके हिसाब से जो ये पर्यावरण शुद्ध करने के लिए जो बनाया है बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे जो है यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रेरणा लोगों को लेना चाहिए कायदे में कि पर्यावरण जो है ये बाग बगीचे लगाने से पेड़ पौधे फलदार फूलदार लगाने से बहुत अच्छा वातावरण होता है और उससे हमारे गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ शाम को आते हैं टहलते हैं उनको बहुत शांति मिलती है प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि ये शहर में और हर जगह ऐसा जो है अगर करें तो पर्यावरण में बहुत शुद्धता होगी और बहुत ही अच्छा जो है पर्यावरण संबंधी ये सब कार्य जो हैं बहुत अच्छे हैं और इन्होंने जो है जो कार्य किया है ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है। गांव के लोग जो हैं उसको जो है बड़ा उसमें जो है पर्यावरण के हिसाब से उसमें लेते हैं और लोग ये प्रशंसा करते हैं कि हमारे माठ साहब ने ये बहुत अच्छा ही जो है एक बगीचा बनाया है। ये फूलबाग नाम से लोग वहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, उसमें घूमते हैं, देखते हैं कि माठ साहब ने कौन से पौधे फूल क्या क्या क्या, क्या तरीका के जो है लगाए हैं, उनसे बड़ा लगाव है फूल पौधों का। उन्होंने जो है अच्छे अच्छे चुनके लगाए हैं, चमेली है, चंपा है, गुलाब है, लोग आते हैं और उनका आनंद लेते हैं। आपके घर में ये परंपरा चली है पर्यावरण को लेकर के पर्यावरण को सुरक्षित रखने की, कैसा महसूस करते हैं घर के लोग? कभी कोई इस पर कोई आपत्ति नहीं की आपकी आपकी मम्मी ने या घर के लोगों ने कि इतना समय इसमें देते हैं? आप बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पिताजी ने जो ये कार्य किया है ये घर में सहयोग रहता है, बिना सहयोग हमें लगता है कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो कोई भी आता है या यहाँ जो लोग घूमने आते हैं तो हम भी स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद जो भी कार्य है यहाँ पे पिताजी के साथ में करते हैं और कभी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। यहाँ पे घर में सभी लोगों का सहयोग है, क्षेत्र के भी लोग आते हैं, इनके साथ के जो टीचर लोग हैं वो भी आते हैं, अधिकारी वर्ग जो भी है वो यहाँ पे उपस्थित होते हैं, आके बैठते हैं, तो उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो व्यवस्थाएं की जाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हमें। ये लगता है कि जो कार्य इन्होंने किया है तो इससे हमें भी कुछ आगे करने के लिए उत्साहित होते हैं, जागृत होते हैं। हम भी चाहते हैं कि जो इन्होंने कार्य किया है इसको हम इसी तरीके से आगे तक बढ़ाते रहें और ऐसे ही इसको उजागर करते रहें, चलाते रहें हमेशा।